नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। लोकसभा चुनावों में मतदान से पहले सीएमएन न्यूज ने आम आदमी की नब्ज टटोलने की कोशिश की और ये जानना चाहा कि जनता क्या चाहती है अपने नेताओं से। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अरविंद तिवारी के पास, जिन्होंने कौशाम्बी की जनता की राय जानी कि आखिर वो क्या चाहते हैं। आने वाले समय में जैसी थोड़ी मोदी की लहर चल रही है, इसमें कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है और कौन सी सरकार, जैसे अभी राहुल गांधी ने 72,000 रुपए घोषणा दिखती थी देने के लिए, तो क्या वो उचित था? देखिए, घोषणा पत्र में तो लोग भी बोल सकते हैं, अभी तो इसके पहले भी बहुत सारे घोषणा पत्र लोगों ने किया लेकिन वो भी पूरे नहीं हुए। जैसे इसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने घोषणा किया, अभी बीजेपी में भी 15,00,000 देने की घोषणा की गई थी, वो भी नहीं आया। काला धन वापस लाने की बात की, वो भी नहीं आया। तो राहुल गांधी ने भी जो कहा 72,000 देने की घोषणा के बारे में बात जो की है, ये तो समय बताएगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। घोषणा पत्र सभी सरकारें लाती हैं, उसमें कितना क्या पूरा होता है क्या नहीं पूरा होता है तो समय बताता है। जैसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और लोग भी जान रहे हैं, कुछ नॉलेज में होगा कि कौन सी सरकारी से 5 साल अभी मोदी सरकार पूरा हो रहा है, पूरा हो भी गया है, आने वाले चुनाव में मत किस प्रकार के होंगे कि आपको उम्मीद है कि मोदी सरकार बनी क्यों नहीं बन सकती है अब ये है तो अपनी अपनी पसंद है, कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं कुछ अच्छे काम भी हुए बुरे भी काम भी हुए, तो दोनों तरह की जो कि बाकी सबको वोट देने का अधिकार है, किसकी क्या पर्सनल सोच है ये तो समय बताएगा। ये बोलना चाहते हैं कि इस सरकार में ओबीसी वर्ग के प्रशिक्षुओं का, ओबीसी वर्ग के छात्रों का हनन हुआ है। मैं उस हनन को मैं बताना चाहता हूं कि वही परसेंटेज होते हुए 60% वही परसेंटेज होते हुए ओबीसी की स्कॉलरशिप नहीं आती, जबकि वही परसेंट होते हुए जनरल ओबीसी की स्कॉलरशिप आ जाती है। 60% कटाव इन्होंने ओबीसी के लिए लगा दिया है, जबकि 50% ओबीसी एसटी और जनरल किसका वो है, फिर भी उनकी स्कॉलरशिप क्यों आती है? हमें यही कहना चाहते हैं कि सरकार ऐसा ओबीसी वर्ग के साथ न करे, नहीं तो हम आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे, अपने वोट के माध्यम से इनको अपने जरूर हराएंगे। लेकिन लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, संयुक्त मोर्चा सभी प्रशिक्षु भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा संघ, उत्तर प्रदेश संयुक्त मोर्चा संघ हर एक स्तर पर कार्य कर रहा है और करेगा, आप लोग परेशान न हो। अभी हमारे हाथ जकड़े हुए हैं, आचार संहिता लगी है, आचार संहिता हटते ही हम लखनऊ में स्कॉलरशिप के लिए विशेष धरने का आयोजन कराएंगे और अपने स्कॉलरशिप जरूर आप लोग को दिलाएंगे। धन्यवाद सर। चुनाव होने वाला है, इसमें आप किसको वोट करना चाहेंगे? हम तो उस पार्टी को वोट करना चाहेंगे जो भाईचारे की पार्टी है और ना कि उस पार्टी को जो जात धर्म के नाम पे लड़वाती है। और हम सपा को वोट करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को। आपको समाजवादी पार्टी में कौन सी अच्छाई मिली थी जो आप समाजवादी पार्टी को वोट? अब एक अच्छाई हो तो आपको बताएं कई अच्छाई है, जो कि समाजवादी पार्टी युवाओं के लिए एक या कई मिसाल है। जितने भी काम हुए हैं समाजवादी पार्टी में, आप मेट्रो से लेके हाईवे लेके जितने भी बेरोजगारों को कंप्यूटर लैपटॉप या भी जितने भी चीज़ मिले हैं सब हमारी समाजवादी पार्टी ने दिया है, और किसी पार्टी में ऐसा कोई काम नहीं किया कि सपोर्ट किया जाए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार। अब हम खड़े हैं सर, मैं तो सर्वप्रथम सरकार से कुछ क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, कुछ अपने जो है प्रश्न है, जो आज तक 5 साल में बीजेपी सरकार ने क्या किया है ये उनके सामने आवाज़ अपनी रखना चाहता हूँ। जैसा कि सबसे अहम मुद्दा हम युवाओं के लिए बेरोजगारी का है, 5 साल से हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी सरकार बनी तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर एक भर्ती में पर्चा आउट हो जा रहा है, कोई भी भर्तियां जो है क्लियर नहीं हो पा रही हैं, सारी भर्तियां कोर्ट में लंबित हैं। अभी हाल ही फिलहाल में 69,000 भर्ती जो हुई है
उसको भी सरकार ने अपने जो है दोहरी राजनीति के चलते बीएड और बीटीसी को लड़ाते हुए कोर्ट में जो है उसको पहुंचा दिया। परीक्षा के पहले कोई भी कट ऑफ नहीं रखा गया और परीक्षा कराने के बाद जो है बीएड और बीटीसी को लड़ाने के लिए 60-65 कट ऑफ रख दिया गया, लेकिन कोर्ट में जो है मामला था, कोर्ट ने फैसला दिया 40-45 पर रिजल्ट जारी करने का। उसके बाद प्राथमिक जो कि जो है सिर्फ और सिर्फ अभी तक बीटीसी वाले आते थे, सरकार ने अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए बीएड वालों का वोट बैंक अपनाने के लिए बीएड को भी प्राथमिक में शामिल कर दिया, जो कि पूर्णतया जो है असंवैधानिक है। अभी तक ऐसा कोई भी जो है रूल नहीं था, सरकार ने अपना जो है वोट बैंक साधने के लिए ऐसा किया है। लेकिन अगर सरकार हम लोगों के साथ छात्रों के साथ राजनीति करेगी तो हम भी छात्र नीति दिखाएंगे और छात्र नीति दिखाते हुए हम लोग का 7 लाख छात्र हैं और 7 लाख छात्र नहीं है, 7 लाख छात्रों का परिवार है। 7 लाख परिवार जब मोदी सरकार और बीजेपी सरकार का बहिष्कार करेगा और जो हम लोगों के साथ हक की लड़ाई में हम लोग का साथ देगा और बीएड को बाहर करने की बात करेगा, हम लोग उसी को वोट करेंगे। इसका मतलब है कि इस बार मोदी को आप वोट नहीं करेंगे? हम लोग सर बिल्कुल, अभी जब तक चुनाव नहीं हो जा रहा है, अगर कोई अहम कदम नहीं उठाया जाता है हम लोग के पक्ष में, तो हम लोग बिल्कुल से बिल्कुल जो है बीजेपी सरकार का बहिष्कार करेंगे। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं डीलर संयुक्त मोर्चा संघ से अनंत प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष 18 वैसे हूँ। सर है क्या कि सरकार ने हमको आश्वासन दिया था कि 24 जनवरी तक प्रत्येक डीलर प्रशिक्षु की स्कॉलरशिप आ जाएगी, लेकिन आज 3 अप्रैल हो गया है, कम से कम 60% ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, वो स्कॉलरशिप से वंचित हो गए हैं। तो हम इस सरकार से ये कहना चाहेंगे, पहले भी इन्होंने बीएड को प्राथमिक में शामिल करके हमारा आधा हक छीन चुकी है, अब हमारी स्कॉलरशिप भी छीन रही है। हम ये चाहती क्या है ये सरकार हमसे, हम ये जानना चाहते हैं। अभी तक ये उन गरीब माँ बाप जिनकी उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं मेरे लड़के की स्कॉलरशिप आ जाएगी, उनको आशा रहती है, लेकिन ये सरकार उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। यदि ये सरकार उनकी उम्मीदों पर पानी फेरेगी तो आगे आने वाले चुनाव में इसको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये हम प्रशिक्षुओं की स्कॉलरशिप तो छीन सकती है, लेकिन हमारे वोट देने का अधिकार नहीं छीनेगी। हम इनको आने वाले चुनाव में यदि प्रत्येक प्रशिक्षु की स्कॉलरशिप चुनाव से पहले नहीं आ जाती है तो आगे आने वाले चुनाव में इसका परिणाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। सर मेरा नाम अंकित पटेल है। मैं अंकित पटेल प्रदेश महामंत्री डीलर संयुक्त मोर्चा संघ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि योगी सरकार अभी तक बहुत बड़े बड़े वादे किए, इस समय अब राहुल गांधी ने जो 72,000 रुपये देने का सालाना किसानों को या युवाओं को वादा किया है, क्या वो पूरा कर पाएंगे? वो तो देखा समय। हमारे साथ हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे कुछ राय लेते हैं। सर जी ये बताइए, मौजूदा हालत में इस समय भाजपा सरकार चल रही है, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए जहाँ तक भाजपा की सरकार की बात है, अगर आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो मोदी सरकार ने लगभग हर मोर्चे पर काम करने का प्रयास किया है, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की बात रही हो, चाहे वो मन रैंक मन पेंशन की बात रही हो, चाहे देश के सुरक्षा के मुद्दे की बात रही हो। सेना में विमानों की कमी थी, इतने दिनों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, दूसरे पार्टी का उस जरूरत को पूरा नहीं किया गया, लेकिन सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, वही हालात मोदी सरकार के हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि आज की जो मौजूदा सरकार केंद्र सरकार है, उसने देश के लिए देश हित में अच्छे काम किए हैं। अब यह है कि अलग है कि कुछ लोगों की राय उससे भिन्न हो सकती है, कुछ लोगों की का ये मानना हो सकता है कि वो सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि केंद्र सरकार का अगर पूरा आकलन किया जाएगा, नंबर देने की बात की जाएगी, तो केंद्र सरकार 60+ है। सर जी अभी जैसे राहुल गांधी ने 72,000 रुपये पर सालाना लोगों को देने की घोषणा की है जी, वो कहाँ तक सच होगा इसमें थोड़ा सा? देखिए कांग्रेस सरकार कह रही है, लेकिन आज भी देश के अर्थशास्त्रियों की तमाम राय है, चाहे टीवी चैनलों को आप देख लीजिए, चाहे अखबारों में देख लीजिए, कि उस राय को लेकर के देश के तमाम अर्थशास्त्रियों ने अपनी भिन्न राय जाहिर की है कि जब भी इस तरह के लोक लुभावन नारे किए गए हैं, उसका खामियाजा देश को उठाना पड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ा है। और अगर आप बात करें कि वो जो है बीपीएल कार्ड धारकों को पैसा दे रहे हैं, तो बीपीएल कार्ड धारक कितने रहे हैं? सरकारें बीपीएल की संख्या सीमित करती गई हैं, आज भी घटाया जा रहा है उनको। तो केवल बीपीएल कार्ड धारकों को 72,000 रुपये दे देने से
कोई लाभ देश का नहीं होने वाला है। हाँ, अगर कोई ऐसी योजना है कि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके, उनको कोई काम की दिया जा सके जिससे वो लगातार उसमें जुड़ सके, काम कर सके, और घर घर बैठे किसी को आप 72,000 रुपया दे देंगे 1,00,000 दे देंगे, उससे कोई भला ना तो उनका होने वाला है ना देश का होने वाला है। जी, आपकी अपना वोट किस पार्टी को देना चाहेंगे? इस बार हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे जितने भी सहयोगी हैं सब कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। इसकी कोई खास वजह मौजूदा सरकार भाजपा की है, सेंट्रल में भी और यूपी में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन आप जो है कांग्रेस को वोट करेंगे? भाजपा में आपको ऐसी कौन सी कमी लग रही है जो आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे और कांग्रेस को वोट करेंगे? इसके पहले हम भाजपा में थे और हमने भाजपा का काफ़ी सपोर्ट किया और कई वादे भाजपा ने किया, नदी में दूध बहाया जाएगा, खून नहीं बहेगा, भाईचारगी रहेगी, महंगाई पे कंट्रोल होगा, सबके अकाउंट में 5-5, 15-15 लाख रुपए आएंगे और विकास होगा। तो विकास के नाम पे एक कलंक लगा और जितने भी वादे हुए सब बेबुनियाद, कोई काम नहीं हुआ। तो इसके लिए जो हम कांग्रेस को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पूरी जितने भी लोग हैं सब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। शिवचरण, नमस्कार। भारत के साथ साथ यूपी में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम अब बात करते हैं आपको कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आज के मुद्दे में हम लोगों से बात किया, उसमें लोगों ने ये अलग अलग राय, कौशाम्बी ज़िले से 4 नई ऐसी पार्टियां हैं जो कि फाइट पे हैं और लोगों को अलग अलग रुझान आ रहा है, लेकिन अभी साफ स्पष्ट कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं लोग कि कैसे किस पार्टी को अधिक से अधिक वोट दिया जाएगा। मैं अरविंद गुलाम वारिस के साथ अरविंद तिवारी, कौशाम्बी, CMN न्यूज़।